गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मिरर्स क्या होते हैं। मिरर्स बार बार ये टर्म आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के लिए हम यूज करते हैं मिरर्स को। तो मिरर्स क्या है? मिरर्स आर हाईली पॉलिश्ड स्मूथ एंड साइनी सरफेस। बहुत ज्यादा पॉलिश, साइनी और स्मूथ सरफेस को मिरर कहते हैं। मिरर आर वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स, यानी मिरर्स आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ मिरर्स, मिरर्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। दीज आर प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस पर, ये जो मैंने पीछे की तरफ लगाया हुआ कांटे से, ये मैंने पॉलिश का इंडिकेशन किया है, ये पॉलिश साइड है, पॉलिश्ड। और जिधर हम देख रहे हैं ये इसका रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन सरफेस है, यानी रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहले है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को मैंने एक फ्लैट सरफेस के साथ बनाया, ऊपर की तरफ जिधर ये कांटे से नहीं है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से हम अपना मुंह देखते हैं। और नीचे की तरफ जिधर ये कांटे से बना है, ये हमने माना है पॉलिश। पॉलिश सिल्वर का होता है नॉर्मली। कॉन्वेक्स सरफेस जो ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं उनको कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर जो अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं उनको हम कॉनकेव कहते हैं। तो तीन तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। शेप इस तरह की होती है। हमारे कोर्स में अभी हमें पढ़ना है सिर्फ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स या कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर को हम क्लास 9-10 में देखते हैं, हायर क्लासेस में हम देखेंगे। स्फेरिकल मिरर्स वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर मेड बाय पॉलिशिंग ए ग्लास शीट विच इज प्लेन, यानी दीज मिरर्स आर मेड बाय पॉलिशिंग ए प्लेन ग्लास शीट विद सिल्वर। सिल्वर की पॉलिश एक प्लेन ग्लास शीट पर कर दी जाती है। तो ये अरेंजमेंट एक मिरर बनता है। तो व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज ए मिरर which is formed by polishing a plain glass sheet with silver. This arrangement is called plain mirror. Plain mirror are used for reflection. हम सबको पता है। तो plain mirror जब reflection करता तो ये image भी बनाता है। What should be the properties of image formed by plain mirror? Plain mirror की image की क्या properties होंगी? सबसे पहले properties of image formed by a plain mirror. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है दैट इज ऑफ इक्वल साइज। जब मैं अपने आप को एक प्लेन मिरर से देखता हूं तो ये इक्वल साइज का इमेज बनता है, यानी जितना बड़ा मैं दिख रहा हूं उतनी बड़ी मेरी इमेज भी दिखेगी, यानी जो साइज मेरा है उसी साइज का मेरा इमेज दिखेगा, दोनों का साइज बराबर होगा। नंबर टू, इमेज इज इक्वी डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर से आगे जितना मैं खड़ा हूं मेरा इमेज मिरर के पीछे उतना ही पीछे दिखेगा। तो जितना मेरी डिस्टेंस है मिरर से उतनी मेरी इमेज की मिरर से पीछे की तरफ चली जाएगी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर दूरी पर होते हैं, बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है इमेज का, दैट इज इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये इमेज पर्दे पर नहीं ली जा सकती। मैं प्लेन मिरर में एक बार मैंने अपने आप को देखा तो जब तक मैं उसमें देख रहा हूं तब तक मेरा इमेज दिखेगा, जैसे ही मैं हट जाऊंगा मेरा इमेज भी हट जाएगा, यानी उसको मैं पर्दे पे कैच नहीं कर सकता, यानी इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। दैट्स व्हाई द इमेज इज वर्चुअल। साथ साथ अगर मेरा सिर ऊपर है तो मेरे इमेज का सिर भी ऊपर है, अगर मेरा सिर नीचे है तो मेरे इमेज का सिर भी नीचे है, यानी इमेज इज इरेक्ट। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तीसरा सॉरी चौथा पॉइंट है हमारा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने इसी पे लिया है। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरली इन्वर्टेड का जो प्रॉपर वर्ड है वो लेटरल इन्वर्जन है। लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज का लेफ्ट लगे या इमेज का लेफ्ट पार्ट ऑब्जेक्ट का राइट लगे तो इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आप प्लेन मिरर के सामने आज खड़े हों, अपना राइट हैंड हिलाएं
तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज का लेफ्ट हैंड हिल रहा होता है, इसलिए राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट पार्ट ऑफ इमेज एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट पार्ट ऑफ इमेज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, यानी जब मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देखता हूं तो मेरा राइट हिस्सा लेफ्ट दिखता है इमेज का, और इमेज में जो मेरा राइट हिस्सा है वो मेरा लेफ्ट हिस्सा होता है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर की इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब मैं नई बात करता हूं, दैट इज मल्टीपल इमेज। प्लेन मिरर के सामने मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो ये उसका इमेज बनाता है। ये इमेज यानी जो रेज है जो रिफ्लेक्शन के बाद गए, जिनको मैंने रिफ्लेक्टेड रेज कहा था, ये लाइट रेज अगर किसी दूसरे मिरर पर पड़ जाए तो एक इमेज वो भी बना देता है। तो मेरे पास एक से ज्यादा इमेज बनते हैं। सच टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज कॉल्ड मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। ये इसको मैं कहता हूं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। जब दो या दो से ज्यादा मिरर को एक साथ में किसी एंगल पर रख देता हूं तो उनसे एक से ज्यादा इमेज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर रखा है तो वो तीन इमेज बनाते हैं। तो इसी तरह से एक से दो से ज्यादा इमेज जब कोई बना देता है, कोई मिरर एक से ज्यादा इमेज जब कोई मिरर बनाता है, तो इस इमेज फॉर्मेशन को मैं कहता हूं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बहुत कॉमन होता है कैलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप्स में। पेरिस्कोप में भी और क्लेडोस्कोप में भी हम मल्टीपल इमेज फॉर्म करवा सकते हैं। आप नाई की दुकान में जाते हैं, वहां पर आपको आपके आप कई सारे मिरर लगे होते हैं, जब आप देखते हो तो आपको आपकी एक से ज्यादा इमेजेस दिखती हैं। तो दीज आर कॉल्ड मल्टीपल इमेजेस। नाउ वी विल सी क्लेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। व्हाट इज पेरिस्कोप एंड व्हाट इज क्लेडोस्कोप, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज पेरिस्कोप। Periscope is an optical device that lets us see those places which are out of sight directly. जिन जगह हम directly नहीं देख सकते, उन जगह देखने के लिए हम arrangement of mirrors करते हैं, and this arrangement of mirrors is called periscope. तो basically periscope is an optical device that lets us see those objects which are out of sight directly. A periscope makes use of multiple image formation. Periscope में भी बहुत सारे multiple image formation का हम use करते हैं, and it is generally prepared by using mirrors inclined at some angle. Commonly used periscopes are commonly used by soldiers in bunkers, cameramen while taking transverse view, overhead view, or you can say inverted view, and also in submarines, in tanks, etc. तो ये यहां पर बहुत commonly use होता है। Kaleidoscope, kaleidoscope is a pattern watching device. Basically हम इसको pattern watching device बोलते हैं। It is an optical device that is used to see the different types of patterns using multiple images formation by three plane mirrors. आमतौर पर जो कैलेडोस्कोप बनाई जाती है वो तीन प्लेन मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर झुका के बनाई जाती है। इट इज कॉमनली यूज्ड बाय फैशन डिजाइनर्स टू स्टडी वेरियस पैटर्न्स एंड देयर रेस्पेक्टिव डिजाइन्स। कुछ पैटर्न्स और उनके क्या डिजाइन बनेंगे उनको देखने के लिए फैशन डिजाइनर्स इसको आमतौर पर यूज करते हैं। नाउ आई हैव गिवन वन नोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम असाइनमेंट फॉर यू। You can make kaleidoscope at home using three plane mirrors which are inclined at 60 degree each, and these plane mirrors are given various patterns. One side it is closed by having a paper or cardboard having a hole inside like a focus point in a camera, and other side you will use a transparent glass sheet or a polythene sheet that will be given certain design, certain pattern, and that design will be seen inside the kaleidoscope. So this is home assignment for you. I hope you will make it yourself and show it to me on the demand. Show it to me. So this is all about. Now we will come to the dispersion. What is dispersion? Dispersion is
द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इंटू सेवन कलर्स. तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन, और यू कैन सिंपली कॉल द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन. दिस सेवन कलर्स टूगेदर आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम. तो दिस बैंड ऑफ सेवन कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, एंड स्पेक्ट्रम इज रेड इन द ऑर्डर ऑफ विब ग्योर VIBGYOR. दीज आर सेवन कलर्स. V इंडिकेट्स वायलेट कलर, I इंडिकेट्स इंडिगो, B इंडिकेट्स ब्लू, G इंडिकेट्स ग्रीन, Y इंडिकेट्स येलो, एंड O इंडिकेट्स ऑरेंज, R इंडिकेट्स रेड. तो दीज आर द सेवन कलर्स. दिस वी कॉल स्पेक्ट्रम और बैंड ऑफ सेवन कलर्स. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेक्ट्रम, हाउ यू विल सी स्पेक्ट्रम एट योर होम. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक ए प्लेन मिरर इन साइड ए बाउल, फिल द बाउल विद ओपन बाउंड्रीज विद वाटर अप टू द एजेस, एंड प्लेस द बाउल नियर द विंडो सच दैट सनलाइट फॉल्स ऑन दिस वाटर, एंड अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक्स इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द वॉल. व्हेन द रिफ्लेक्शन इज सीन, यू विल सी ए बैंड ऑफ सेवन कलर्स इंडिकेटिंग ऑल द सेवन कलर्स दैट आई मेंशन्ड इन विब्ग्यो. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन. नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन इज द मेकिंग ऑफ रेनबो. रेनबो का जो मेकिंग है वो डिस्पर्सन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. ऑल्सो वी विल सी द वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट सन, वेरियस कलर्स ऑफ सन एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइम और ड्यूरिंग द ईच फेज ऑफ द डे. दिस इज ऑल्सो द फिनोमेनन ऑफ डिस्पर्सन. सेकेंड, ए बैंड ऑफ सेवन कलर्स इज सीन ऑन द वॉल when sunlight falls on the wall after passing through a prism. जो हमने अभी बाउल से बनाया था that is a kind of prism. तो prism से जब light pass होती है और किसी दीवार पे पड़ती है, white wall will act like a screen. तो it will show you the band of seven colors. Out of these seven colors, boundary colors are red and violet. तो this is all about. In the next video we will discuss about I and the Braille system. This is all about today's class. Thank you. Thank you for watching.